हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का भाई ने स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 08 का लेसन 5th पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे अखेट संग्रहणकर्ता समाज के बारे में। दोस्तों, इस लेसन के अंदर में जो क्वेश्चन बनकर आता है, अखेट और संग्रहणकर्ता समाज किसे कहते हैं, इस समाज की क्या विशेषता है, अखेट और संग्रहणकर्ता समाज आदि पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के अंदर में किस प्रकार से विकास किया, किस प्रकार से ग्रो किया, कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी बनकर आता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम बात करें आरंभिक मानव की, आदि मानव की बात कर रहे हैं। आरंभिक मानव का जब उद्भव हुआ तो उनके पास कुछ इस तरह की सुविधा नहीं थी, उनको जब भूख लगे जीवन व्यापन करना हो तो 2 मिनट में मैगी बनकर तैयार हो गई और खा लिया मैगी, इस तरह से चल रहा है, ऐसा कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो उनको अपना जीवन व्यापन के लिए हंटिंग और गैदरिंग पे निर्भर रहना पड़ता था। हंटिंग क्या होता है, तो शिकार करना। स्टार्टिंग में वो छोटे जानवरों का शिकार करते थे, धीरे धीरे इनका जो औजार था, जो हथियार था, अपडेट होता चला गया, नए वर्जन के आते चले गए, जिसके बाद उन्होंने बड़े जानवरों का भी शिकार किया। गैदरिंग में क्या होता था, तो जिस जगह भी वो रहते थे, जहां पे भी वो घूम रहे, जंगल में जिधर जा रहे हैं, तो वहां पे जो भी फल वल गिरे रहते थे, कंदमूल के फल इकट्ठा करना, उसको खाना, तो इस तरह से उनका जीवन व्यापन का सर्कल चलता था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन बनकर ये आता है कि भैया, जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, इसके बेसिस पे उनका जीवन व्यापन चलता था, ये मुझे पता कैसे चला? क्या आदि मानव खुद आया पीछे से आकर मुझे बताया कि सर ऐसी भी बात थी, आप यही आगे पढ़ाना, या उन्होंने कोई बायोग्राफी लिखी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, या किसी राइटर ने और लिख कर गया है जो उसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ, या कुछ ऐसी मूवी भी बना कर गए, तो किस बेसिस पे पता चलता है, स्रोत क्या है इसके बारे में जानकारी का? सबसे मेन क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री के अंदर में। कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही रेज करना होता है कि भैया इस चीज का स्रोत क्या है, कैसे हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं आरंभिक मानव का, आदि मानव का, तो यहाँ पे जो स्रोत है ना, वो पुरातात्विक आधार पर, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर हम बोलते हैं। हिस्ट्री के अंदर में कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो दो तरह के स्रोत हमें देखने के लिए मिलते हैं, और दो तरह के ही स्रोत पे आगे हम चीजें बात करते हैं। सबसे पहला जो स्रोत होता है और सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत के तौर पे हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत को। जैसे कोई भी खुदाई हुई, किसी भी स्थल पे गए, वहां पे खुदाई किया गया, खुदाई के अंदर में से जो भी प्रमाण मिला, कोई मान लो शव मिला, कोई औजार मिला, कोई मित्र भांड मिला, कुछ अलग अलग तरह की जो भी चीजें मिला ना, पुरातात्विक चीजें मिली, तो उसको हम पुरातात्विक प्रमाण के तौर पे देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत के तौर पे देखते हैं। वहीं पे जो दूसरा स्रोत होता है ना, जिसको हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या होता है कि कोई भी ग्रंथ मिल गया लिखा हुआ, कोई भी यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ मिल गया, कोई भी मतलब ना इस तरह का पर्चा मिल गया जिसके अंदर प्रॉपर डिटेल है कि ये चीज ऐसे ऐसा हुआ था। तो इस तरह की जो भी चीजें होती है ना, जहाँ पे रिटर्न में चीजें मिली ना, कोई भी रिटर्न में मिल रहा चीजें, ठीक है, यात्रा वृत्तांत, लेख, अभिलेख, जो भी है, तो उसको हम यहाँ पे साहित्यिक स्रोत के अंदर में रखते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंदर में जो भी पौराणिक प्रमाण मिला, पुरातात्विक प्रमाण मिला, कोई भी खुदाई के जरिए मिला, उसको हम पुरातात्विक स्रोत के अंदर। तो कभी भी आप कोई भी टॉपिक हिस्ट्री के अंदर में पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रेज करना है कि भैया जो इस टॉपिक के बारे में आप बता रहे हो ना, इस टॉपिक का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे स्रोत के बारे में आपको समझ में आ गया कि हम अखेट और संग्रहणकर्ता समाज के बारे में बात करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर। पुरातत्व वेदाओं के द्वारा में जो पाषाण उपकरण हुए, उस पाषाण उपकरण जो मिले प्रचुर मात्रा में मिले हैं, ज्यादातर पाषाण उपकरण ही मिले हैं, उनके बेसिस पे हम अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि किस तरह से उनका जीवन व्यापन रहता होगा। इन उपकरणों को किसी विशेष स्थान पर मिलने से यह साबित करता है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर इनका निर्माण किया जाता होगा। जिस जगह पे मिला वहां की जो भी चीजें खासियत रही होंगी, अगर पत्थर है, जिस तरह के पत्थर है, तो ये समझ में आ गया कि इसी तरह के पत्थर का जो आसपास में जो चीजें उपलब्ध है ना, उसी से इसका निर्माण किया गया होगा। पुरातत्व वेदाओं के द्वारा में इन उपकरणों के जो प्रमाण है, विश्लेषण तत्कालीन संस्कृति के संदर्भ में किया गया। जो उस समय की जो संस्कृति रही होगी ना, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाता है उनको देखने के बाद कि अच्छा, इस तरह के औजार थे तो इस तरह की संस्कृति रही होगी। आज अमेरिका के अंदर में जाओगे तो वहाँ पे गन कल्चर है, और एक से एक VIP गन चल रहे, एकदम मस्त मस्त नए नए तरीके के गन देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या हमें वहाँ की संस्कृति का भी पता चलता है कि अच्छा, इस तरह का लोकल चीजें मतलब एकदम आम है, ठीक है। तो एक तरह से ना, जो वहाँ की तत्कालीन संस्कृति है उसके बारे में भी हमें अंदाजा लग जाता है। इन्हीं उपकरणों के आधार पर अगर आप बात करो तो अखेट समाज के अंदर में, अखेट और संग्रहण समाज की जो जीवन शैली थी उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे जो भी उपकरण मिले ना, जो भी पुरातत्व वेदा थे, जो पुरातात्विक चीजों का अध्ययन करते हैं, पुरातत्व वेदा मतलब क्या होता है, जो पुरातात्विक चीजों का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्व वेदा कहते हैं। तो उनके द्वारा जो भी चीजों को इकट्ठा किया गया, जैसे औजार मिले, बाकी चीजें मिली, तो उनके आधार पर हम कल्पना कर पाते हैं कि किस प्रकार का अखेट और संग्रहणकर्ता जो थे उनका जीवन शैली रहा होगा, किस तरह से जीवन जीते थे। सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा सभी व्यूवर से, जो भी हमारे भाई हैं, परिवार के हिस्सा है,
अगर अभी तक आप हमारे द इनफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको एमए हिस्ट्री से रिलेटेड और भी जो अदर हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर देखने के लिए मिलता रहेगा वीडियोस। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नव इन्फो को भी जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट है टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलता रहेगा, एग्जाम असाइनमेंट सब कुछ रिलेटेड यहाँ पे नव इन्फो मिलेगा। और एकेडमिक सेशन से रिलेटेड जो भी आपके कोर्स है ना एमए हिस्ट्री के अंदर में बीए के अंदर में वो आपको द इनफ के ऊपर में मिलने वाला है। तो दोनों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको एमए हिस्ट्री का नोट्स चाहिए, इस वीडियो का भी नोट्स चाहिए, तो डायरेक्टली आपको करना क्या है, गूगल ब्लॉगर पे जाना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक है गूगल ब्लॉगर का, वहां से आप नोट्स को स्टडी कर सकते हो फ्री में, कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। और क्वेरा के ऊपर में भी आपको हमारा नोट्स मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं बोलूंगा दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी व्यूवर्स हमारे जो दैनिक परिवार है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा दैनिक परिवार है ना 60,000 सब्सक्राइबर का हो चुका है, 60K पे पहुंच चुका है, हम इसको और बड़ा करना चाहते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और हमारा एम है कि दिसंबर एंड तक, जो आपका एग्जाम हो दिसंबर 2023 में होने वाला है, दिसंबर एंड तक में हम इसको 100K के परिवार में तब्दील करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो जितने भी सब्सक्राइबर है, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर वो देख रहे हैं अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक सेकंड का टाइम लगता है। आपको और भी नए नए तरह की वीडियोस मिलेंगी, अपडेटेड वीडियोस मिलेंगी, जिससे आपका नॉलेज ही गेन होने वाला है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो और उनको भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए यहाँ से वापस वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि भैया हम किस आधार पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पुरातत्ववेदाओं ने जो भी उपकरण इकट्ठे किए, जिसके आधार पर हमें समझ में आ जाता है कि अखेट और संग्रहणकर्ता की जीवन शैली किस प्रकार की रही होगी। साथ साथ में हम बात करें, अखेट संग्रहण समाज के अंदर में जो विकास अवस्था है वो दो भागों में बांटा जाता है। दो पार्ट के अंदर में हम इसको स्टडी करते हैं। हिस्ट्री को हमेशा ना, जब आप देखोगे आरंभिक हिस्ट्री को, हमेशा पार्ट्स में बांटकर स्टडी किया जाता है। पार्ट्स में बांटकर स्टडी करने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा ईजी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे दो पार्ट में, दो अवस्थाओं के अंदर में बांटकर स्टडी किया गया। पहला अवस्था जो आता है जिसको हम आदि पाषाण अवस्था कहते हैं। आदि मतलब क्या, जहां पे आदि मानव का या आरंभिक मानव का जो उद्भव हुआ उस अवस्था की बात कर रहे हैं। पाषाण मतलब होता है पत्थर, जहां पे पत्थरों का उपयोग किया गया आदि मानव के द्वारा, जहां पे पत्थरों का उपयोग किया गया, जो आरंभिक एज था जहां पे पत्थरों का उपयोग किया गया उस अवस्था की हम बात कर रहे हैं। और जैसे ही ये अवस्था आगे विकसित होती है तो थोड़ा बहुत जो चीजें होती है इंप्रूव होती है, ठीक है, औजार होते हैं उसके इम्प्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद का जो नया टाइम पीरियड आता है ना, जिसको हम मध्य पाषाण अवस्था के तौर पे हम बात करते हैं। तो ये दो अलग अलग अवस्था है, दो अलग अलग भाग हैं, जिसके थ्रू हम पढ़ पाते हैं कि अखेट और संग्रहणकर्ता समाज का विकास किस प्रकार से हुआ। इसमें अगर हम बात करें आदि पाषाण अवस्था के अंदर में, तो जो मानव समाज और उसकी अवस्थाओं से संबंधित, जिसमें जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो पाषाण उपकरण थे जिनका उपयोग मानव के द्वारा किया जाता था, वो मुख्यतः तीन भागों में उसको विभाजित करके हम समझ पाते हैं। आदि पाषाण को हम तीन भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, तो पूरा आदि पाषाण काल, मध्य आदि पाषाण काल और उत्तर आदि पाषाण काल। इस तरह से हम तीन भागों में इसको बांट कर स्टडी करते हैं। यह वर्गीकरण जो है ना उनकी कलाकृतियों, आकार, माप और निर्माण के आधार पर किया जाता है। किसके, तो जो भी उनके औजार प्राप्त हुए, जो भी उनके हथियार प्राप्त हुए, उसके बेसिस पे किस तरह की उसकी कलाकृतियां हैं, किस प्रकार का उसका आकार है, माप किस प्रकार का है, निर्माण की डिफरेंसेस किस प्रकार के हैं, उसके आधार पर इनको बांटा गया अलग अलग काल के अंदर, ठीक है, ये समझ में आता है। अब देखो यहाँ पे बात करो पूरा पाषाण काल के अंदर में या पूर्व आदि पाषाण काल के अगर हम बात करें, तो इसके अंदर में जो उस काल से प्राप्त जो हस्त कुठर था, विदारणी था, उसके इत्यादि, उसके आधार पर यहाँ पे बात किया गया कि किस तरीके से ये चीजें रहती होंगी, किस प्रकार का रहता होगा, ठीक है। कुठार क्या होता है, हाथ में पकड़कर मारने वाला, कुदारी उदारी जैसा अलग अलग तरह के हथियार होते थे, ठीक है। मैं किसी और वीडियो के अंदर में डिटेल में बता दूंगा, इमेज यूज कर लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम मध्य आदि पाषाण काल की अगर हम बात करें, तो मध्य आदि पाषाण काल के अंदर में अपेक्षाकृत हल्के और छोटे औजार का उपयोग किया जाने लगा। अब देखो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे आदि पाषाण काल के अंदर में हमने तीन पार्ट में बांटा, और पहला पार्ट के अंदर में पूरा पाषाण काल या पूर्व आदि पाषाण काल के अंदर में जो पहले औजार किए जाते थे, हस्त कुठार और विदारणी जैसे औजारों का यूज किया जाता था, तो जो काफी बड़े मात्रा में हमें देखने को मिलता था, जो साइज होता था, आकार होता था, वो थोड़ा बड़ा रहता था। और वहीं पे जैसे ही दूसरा स्टेज शुरू होता है मध्य आदि पाषाण काल का, उसके अंदर में अपेक्षाकृत छोटा कर दिया जाता है औजारों को, और औजारों का जो वजन होता है वो भी हल्का कर दिया जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि जैसे जो बड़े जानवरों का शिकार करने में आसानी हो,
छोटे जानवरों को तो चलो आप मार सकते हो, दौड़कर आगे पीछे करके मार सकते हो, पर बड़े जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए आपको छोटे औजार और हल्के औजार की जरूरत पड़ती थी। छोटे औजार की क्यों? क्योंकि जिससे आप दूर से भी उस पर निशाना लगा सको, दूर से भी मार सको, अगर पास जाके मारोगे तो आपके लिए ही खतरा रहता होता है। ये भी एक रीजन यहाँ पे देखा जाता है। अगर हम तीसरे स्टेज की बात करें उत्तर आदि पाषाण काल के बारे में, तो यहाँ पे हल्के उपकरण और औजारों के रूप में इसके फलक और तक्षणी यहाँ पे मिलने देखने के लिए मिल जाता है। फलक क्या होता है? एकदम धारदार इस तरीके से बनाया जाता था ना, कि जो इसका ये वाला सिरा है पूरा एकदम धारदार रहता था, पूरा एकदम ऐसे धारदार होता था। इस तरीके से सिरा एकदम धारदार बनाया जाता था। फलक और तक्षण एकदम नोकीला और धारदार औजारों के रूप में इसका उपयोग किया गया। देखो पहले वाले में थोड़ा भारी औजार थे, सेकंड वाले में हल्का किया गया, छोटा औजार किए गए, और तीसरे वाले में हल्के के साथ साथ में जो औजार थे वो धारदार और नोकीला भी उनको बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे औजारों को इम्प्रूव किया गया। अगर आप बात करो कि उत्तर आदि पाषाण काल के बाद में जो हमारा दूसरा स्टेज होता है मध्य पाषाण काल का, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि जो आदि मानव को समझने के लिए अखेट और संग्रहण समाज है, उसको समझने के लिए दो अलग अलग अवस्था है, आदि पाषाण अवस्था और मध्य पाषाण अवस्था। जो आदि पाषाण अवस्था है उसको हम तीन भाग में बांटते हैं, पूरा आदि पाषाण काल, मध्य आदि पाषाण काल और उत्तर आदि पाषाण काल। वहीं पर अगर हम बात करें मध्य आदि पाषाण काल के बारे में, तो मध्य आदि पाषाण काल के अंदर में जलवायु के अंदर में व्यापक परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या था, जलवायु के अंदर में परिवर्तन होना शुरू हुआ। और देखो आज के समय में जो हमारा मानव स्वरूप है ना, जिसको हम चिंतनशील मानव कहते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस के तौर पर काउंट करते हैं, ऐसा नहीं था कि रात में आदि मानव सोया शिकार करके खाना वाना खा के मस्त सुबह उठा तो वो चेंज हो गया, इस तरीके से नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ में परिवर्तन होता चला गया। जितने भी औजार के बारे में मैंने बताया ना कि औजार पहले बड़े थे, भारी थे, धीरे फिर हल्के हुए, छोटे हुए, फिर धारदार हुए, नोकीले हुए, ऐसा नहीं था कि रात में वो भारी औजार बनाकर सोया सुबह उठा तो, ये नहीं, एक लंबा समय अंतराल। आप जब ये टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हो ना कि पूर्व आदि पाषाण काल, मध्य आदि पाषाण काल, उत्तर आदि पाषाण काल, मतलब ये मान के चलो 100-200-500 साल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि 500 साल बाद ये औजार में परिवर्तन हुआ। ठीक है, इस तरीके से चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, समझ में आता है। तो उत्तर पूरा पाषाण काल के बाद यहाँ पे मध्य पाषाण काल का शुरुआत होता है। इस अवस्था के अंदर में दिखाया जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन इस काल के अंदर में सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिल जाता है। तकनीकी विकास इस काल के अंदर में देखा जाता है। छोटे उपकरणों तथा उत्पादन के लिए भी, मतलब उत्पादन के लिए छोटे उपकरणों का उपयोग यहाँ पे देखा जाता है। मध्य पाषाण काल के अंदर में जो उपकरण थे वो फलक, सार भाग, नोक, त्रिकोण और नवचंद्राकार अलग अलग आकारों के रूप में हमें देखने के लिए मिल जाता है। फलक क्या होता है? एकदम धारदार, एकदम धारदार सार भाग, ठीक है, अलग तरीके से उसको पकड़ने वाला, नोकीला, त्रिकोणी, नवचंद्राकार, अलग अलग तरह के औजार हुआ करते थे जिसके अलग अलग शेप हुआ करते थे। इस तरह के हमें औजार हमें नव मध्य पाषाण काल के अंदर में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो आगे हम यहाँ पे कहते हैं कि जो प्राचीन आदि मानव के विषय में जो आम धारणा रही है, लोगों की जो एक चीज रही है कि कॉन्सेप्ट रहा है कि ये चीज ऐसी रही होंगी, वो ये समझ के चलते कि उनका जीवन क्या रहा होगा, असभ्य और जंगली रहा होगा, जंगलियों की तरह रहते होंगे। पर पुरातात्विक स्थलों से जो मिले प्रमाण है उनके आधार पर कहा जा सकता है कि अखेट और संग्रहण जो समूह था, एक जीवन तो मतलब सामाजिक जीवन जीते थे। अखेट और संग्रहण वाला जो समूह था सामाजिक जीवन में जीते थे। सामाजिक जीवन होता क्या है, क्या होता है, जिसके अंदर में हम समाज के अंदर में रहते हैं, समाज के लोगों के थ्रू रहते हैं, उसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं। अब देखो ऐसा नहीं था ना अखेट और संग्रहण करता में कि अकेले गए शिकार करके ले आए, ऐसा नहीं था। अगर जानवरों का शिकार करना है तो उनको दो चार लोगों के साथ में मिलकर शिकार करते थे, तो समूह में शिकार करते थे। ठीक है, अगर कंदमूल भी इकट्ठा करना है तो औरतें सब इकट्ठा कर रही है, आदमी सब वहां गए, तो इस तरीके से ना एक ग्रुप में, एक समुदाय में वो शिकार करते थे। जिसके बेसिस पे जब भी हम, आप अकेले हो ना तो कहते हैं अकेला है बंदा, ठीक है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अकेला रह रहा है। पर आप जब उस दोस्तों के बीच में जाते हो, समाज के बीच में जाते हो, जब उठते बैठते हो ना तो कहते हैं वो समाज है। जब एक से ज्यादा लोग होते हैं, अगर एक ही ग्रुप के लोग हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं, तो फैमिली है। वही आप दूसरे बाहर के लोगों के साथ बैठ रहे हो ना, तो एक तरह से हम बोलते हैं उसको समाज है। तो जो अखेट और संग्रहण समूह था वो कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन जीते थे। इसके आधार पर हम सामाजिक जीवन जीते तो थे, पर किस आधार पर हम बोल रहे हैं, तो इस आधार पर बोला जा रहा है क्योंकि जो भी जानवरों को शिकार कर देते वो अकेले के बस का शिकार करना संभव नहीं होता था। और जो भी प्रमाण मिले ना, गुफाओं के अंदर में चित्रकारी के सबूत मिले, बाकी जो साक्ष्य प्रमाण मिले, उसके आधार पर ये कहा जाता है कि वो सामाजिक जीवन जीते होंगे, जिसके कारण से ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलता है। यह परिवार स्थानीय जनसमूह तथा विस्तृत सामाजिक संबंधों पर आधारित होगा। ऐसा नहीं था कि सामाजिक जीवन जीने के लिए अलग अलग तरीका, उनका परिवार पूरा शिकार करता होगा, सामाजिक जो जनसमूह होगा आसपास का वो, या विस्तृत सामाजिक संबंध के आधार पर
वो चीजें आगे बढ़ाते होंगे। आरंभिक उपनिवेशों या बस्तियों के बीच व्यापार अथवा विनिमय के उदाहरण भी मिलते हैं। धीरे धीरे समय के साथ में परिवर्तन होता गया, आगे बढ़ता गया, तो जो उपनिवेश था धीरे धीरे दूसरी जगह जाना, ठीक है, व्यापार करना, बस्तियों के बीच में व्यापार करना, दो बस्तियों के बीच में, ठीक है, विनिमय के माध्यम से, बार्टर सिस्टम के माध्यम से व्यापार करना, लेन देन करना, इसके भी हमें प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, सर आपको पता कैसे चला बार्टर सिस्टम के थ्रू व्यापार करते थे, विनिमय के थ्रू व्यापार करते थे? मान के चलो मेरे गांव के अंदर में सिर्फ गेहूं होता है, ठीक है, मेरे यहाँ पे सिर्फ गेहूं होता है, चावल का नामो निशान नहीं है, पर जब आप मेरे घर में आए तो आपको मेरे घर में चावल मिला, ठीक है। अब चावल मिला और जो हमारे गांव से बगल वाला गांव है ना, वहां पे सिर्फ चावल होता है और वहां पे आपको गेहूं मिल रहा है, तो आप ये समझोगे ना कि हमने क्या क्या होगा कि गेहूं इसको दिया होगा, चावल उससे लिया होगा, ठीक है, जिसके कारण से उसका चावल हमारे यहाँ मिल रहा है और हमारे गेहूं उसके यहाँ मिल रहा है। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम का उपयोग किया जाता था, जिस लोगों के पास में जो चीज नहीं है उसको दिया, उससे लिया, इस तरीके से चीजें चलती थी, इस तरीके से व्यापार किया जाता था। पूर्व आदि जो आदि पूर्व आदि पाषाण काल के स्थलों के अगर हम बारे में बात करें तो मध्य भारत तथा पूर्व घाटों की दक्षिणी भागों के अंदर में, पूर्वी घाटी के जो दक्षिणी भाग है ना, वहां पर पूर्व आदि पाषाण काल के जो स्थल है वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसकी खुदाई से अलग अलग तरह के औजार और बाकी चीजें हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसका जो मुख्य कारण था ना, अनुकूल पर्यावरण का होना माना जाता है। देखो यहाँ पे जो पूर्व आदि पाषाण काल के स्थल थे वो मध्य भारत के अंदर में क्यों विकसित हुए या पूर्वी घाटी के दक्षिणी भागों के अंदर में क्यों विकसित हुए, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, अनुकूल पर्यावरण। अगर अनुकूल पर्यावरण मिल रहा है, वहां पे अच्छी तरह से जीवन जीने का साधन है, चीजें हैं, पानी है, सब कुछ है, तो वहीं पे विकास होगा, इस तरीके से चीजें भी देखी गई। मध्य आदि पाषाण काल की अगर आप बात करोगे तो समुदायों द्वारा उन्हीं क्षेत्रों के अंदर में चयन किया गया, जिस क्षेत्र में वो रहते थे उन्हीं क्षेत्रों का चयन किया गया जो उनके अनुकूल थे। पश्चिमी राजस्थान, मेवाड़ का क्षेत्र, गुजरात के मैदान, इन सब जगहों पे आदि पाषाण, मध्य पाषाण के जो समुदाय थे वो यहाँ पे रहने के लिए हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। मध्य आदि पाषाण के जो लोग थे वो इन समुदाय के अंदर में उनका विकास हुआ। इसी तरह से उत्तर आदि पाषाण काल के अंदर में जो जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक है, ये देखा गया। इसके कारण से जो अखेट समाज था, अखेट और संग्रहण समाज, वो भोजन स्रोत सीमित होता चला गया, ठीक है, धीरे धीरे जो उसका श्रृंक होता चला गया, जो भोजन के स्रोत होते ना वो श्रृंक होता चला गया। इसका जो स्पष्ट प्रमाण हमें राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के अंदर में मिलता है। अखेट समाज का जो अंतिम कड़ी है मध्य पाषाणकालीन समाज का आता है। इस काल के संबंध में हम पहले भी, मतलब जो भी अधिक से अधिक संख्या में पाए गए जो स्थल थे ना, उसके आधार पर हम बोलते हैं कि किस तरह के स्थल से संबंधित जो स्थल है उसके आधार पर बोला जाता है। उदाहरण के लिए कहाँ कहाँ पे मध्य पाषाणकालीन समाज जो देखने के लिए मिलता है, तो पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, उड़ीसा, छोटा भारत, ठीक है, छोटा नागपुर, मध्य भारत, छोटा नागपुर और दक्खन के पठार, इन सब जगहों पे आपको मध्य पाषाणकालीन समाज के आपको प्रमाण मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे, और पुरातात्विक आधार पर इन्हीं सब जगहों के यहाँ पे चीजें देखने के लिए मिलती है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनकर आता है कि सर कैसे पता चला होगा कि खुदाई के अंदर में ये वाला मध्य पाषाण का है, ये वाला उत्तर पाषाण का है, ये वाला आदि पाषाण का है, कैसे पता चला होगा, ठीक है, ये वाला पूरा पाषाण का है? तो देखो जो खुदाई की गई ना, तो सबसे पहले उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो औजार सिमिलर थे, बड़े बड़े थे, भारी थे, तो समझ में आ गया कि भैया ये जो औजार रहा हुआ ना, ये पूर्व आदि पाषाण काल का ही रहा हुआ, क्योंकि सबसे पहले वो भारी भारी औजार बनाए होंगे। पर धीरे 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 देखा गया कि उसके अंदर औजारों के अंदर परिवर्तन देखा गया। औजारों के जो किसी और जगह, मान लो एक जगह पे खुदाई की गई तो वहां पे बड़े बड़े औजार मिले, पर वहीं पे दूसरी जगह गए तो देखा कि वहां पे जो खुदाई के अंदर में हल्के औजार मिले। तो इस समझ में आया कि जलवायु परिवर्तन रहा होगा, धीरे धीरे इधर से उधर ट्रांसफर हुए होंगे लोग, एक जगह दूसरी जगह स्थापित हुए होंगे, जिसके कारण से औजार भी यहाँ पे छोटे मिले हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि दूसरा एज शुरू हुआ होगा। फिर यहाँ पे देखा गया कि वो जो और ज्यादा अच्छे औजार देखने के लिए मिले, तो ये समझ में आ गया तीसरा एज शुरू हुआ होगा। तो इस तरीके से ना, जहां जहां पे खुदाई हुआ, जिस हिसाब से मिला चीजें, उसके हिसाब से उन्होंने स्थल का नाम दिया कि ये वाला पूर्व आदि पाषाण काल है, या मध्य आदि पाषाण काल है, या उत्तर आदि पाषाण काल है, और ये मध्य पाषाणकालीन समाज है। इस तरीके से अलग अलग जगहों का नाम देते हुए चले जाते हैं, ठीक है, समझ में आता है। आगे हम बात करें तो ऐसे कई सारे क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलते हैं जो पहले निर्जन थे, एकांत थे। अगर आप मध्य पाषाणकालीन को पढ़ते हो, या मतलब उससे पहले मध्य पाषाणकालीन समाज से पहले के जो पढ़ते हो, आदि पाषाण काल को स्टडी करते हो, तो कई सारे स्टेट आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो एकांत थे, निर्जन थे, वहां पे कोई व्यक्ति का निशान हमें साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलते हैं। पर वहीं पे जब अगला समय पीरियड स्टार्ट होता है मध्य पाषाणकालीन का, तो वो एकांत नहीं रहते, वहां पे लोगों के द्वारा अधिकृत किया हुआ क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है, जहां पे लोग वहां पे रह रहे थे। जैसे अब इसमें बात करो तो गंगा के घाटी की हम बात करते हैं, दामोदर की घाटी की बात करें, केरला के तटीय क्षेत्र की बात करें, तमिलनाडु के दक्षिणी तट की बात करें, तो इन सब जितने भी क्षेत्र थे ना, इन सब जगहों पे हमें लोगों के साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं।
अब इसमें सबसे कॉमन चीज आपको क्या दिखेगा कि जितना भी जगह है ना कहीं वो नदी या फिर समुद्र के किनारे का क्षेत्र हम बात कर रहे हैं। और इन क्षेत्रों का चयन क्यों किया जाता था कि वहां पे जल का स्रोत रहता था, साथ साथ में भोजन का भी स्रोत रहता था, मछली के थ्रू अपना भोजन व्यापन कर सकते थे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एक जगह से दूसरी जगह जाने आने के लिए यातायात का भी प्रमुख स्रोतों के तौर पर उसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, समझ में आता है। इस काल में 200 स्थल गंगा घाटी के दक्षिणी भाग के अंदर में हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, गंगा घाटी के अंदर में ओनली ओनली 200 स्थल हमें देखने के लिए मिलते हैं, दक्षिणी भाग के अंदर में स्थित हमें देखने के लिए मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के अंदर में एक महत्वपूर्ण विशेषता जो था, तत्कालीन मानवों के द्वारा चट्टानों एवं गुफाओं के अंदर में शैल चित्र और गुफा चित्रकारी करना। ठीक है, यहाँ पे जो तत्कालीन मानव थे उनके द्वारा में गुफाओं के अंदर में चित्रकारी की जाती थी, अलग अलग तरह के चित्र बनाए जाते थे गुफाओं के अंदर में कि किस तरीके से वो शिकार करते थे, किस तरह से वो रहते थे, किस तरह से वो गैदरिंग करते थे, इससे रिलेटेड काफी सारे आपको चित्र देखने के लिए मिल जाता है। आप गूगल पे जाओ, वहां पे सेल चित्र डालो, गुफाओं के चित्र डालो, और भारत से रिलेटेड वाले ये डालोगे ना तो बहुत सारी चित्रकारी के आपको प्रमाण मिलेंगे। इवन आप अगर भारत के नेशनल म्यूजियम जाओगे वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, या फिर विज्ञान भवन जाओगे वहां पे भी आपको बहुत सारा प्रमाण देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नेशनल म्यूजियम जरूर जाओ अगर दिल्ली में आप रहते हो तो, या फिर विज्ञान भवन जरूर जाओ। विज्ञान भवन के अंदर में आपको प्लस पॉइंट क्या मिलेगा कि वहां पे ना पूरी तरह से एक बना रखा है, एक मतलब पूरा एक सीनरी जैसा बना रखा है, क्रिएट कर रखा है कि किस तरह के आदि मानव रहते होंगे, किस तरह से शिकार करते होंगे, पूरा मतलब ना इमेज की तरफ से क्रिएट कर रखा है पूरा, मतलब वो देखने में लगे आपको रियल आप देख रहे हो किस तरीके से लोग रहा करते थे। तो अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली का है, अगर वो चाहता है कि इसको एक्सपीरियंस करना है कि किस तरह से चीजें रही हैं, किस तरह से चीजें रही होंगी, एकदम बुक पढ़ने के बाद सोचता है कि एकदम विजुअल करना चाहता हूँ, तो वो जा सकता है, बहुत आपको जानकारी वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। इन चित्रकलाओं के अंदर में सूक्ष्म अध्ययन अगर आप करोगे तो मानव के धार्मिक आचार व्यवहार, ठीक है, उनकी जो कल्पनाशील थी और दैनिक क्रियाकलापों के बारे में आपको जानकारी मिलेगा कि उनका धार्मिक विचार क्या था, आचरण क्या था, धार्मिक धर्म धर्म को लेकर आचरण क्या था, किस प्रकार का उनका व्यवहार था, वो समझ में आएगा। उनकी कल्पनाशीलता किस प्रकार की थी, उनका दैनिक क्रियाकलाप किस प्रकार का था, ये चीजें आपको उन सूक्ष्म अध्ययन से, उन चित्रकारी गुफाओं के अंदर में चित्रकला जो थी उससे आपको समझ में आएगा। अगर आप मेनली अगर आप बात करो कहाँ कहाँ पे ये चित्रकारी मिली है, तो भीमबेटका के बारे में आपने सुना होगा, आजमगढ़ के अंदर में, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, इन सब जगहों के अंदर में कई सारे मध्य पाषाणकालीन स्थल मिले हैं जहाँ पे चित्रकला वहां पे दीवारों के ऊपर में, गुफाओं के अंदर में, ठीक है, चट्टानों के ऊपर में, पत्थरों के ऊपर में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो आप यहाँ पर भी अगर आसपास में रहते हो तो यहाँ पे भी जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आप सभी व्यूवर से पूछूंगा कि जो ये भीमबेटका है कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, देखते कितने स्टूडेंट को पता है कि किस स्टेट के अंदर में भीमबेटका स्थित है, देखते कितने व्यूवर्स को पता है। आगे मैं बात करूं इन चित्रों के अंदर में पशुओं और जानवरों के झुंड के बारे में बात किया गया, शिकार दिखाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से शिकार करते थे। इन सभी चित्रों का जो मुख्य विषय था वो जानवर था, जानवरों के आधार पर जानवरों को केंद्र मानकर इन चित्रों का निर्माण किया गया। यह वह काल है जब हम शवों के बारे में, दफनाए जाने के बारे में बात करते हैं, किस तरह से शवों को दफनाया जाता था उसके प्रमाण हमें मिलते, साक्ष्य मिलते हैं, जिससे लगता है कि मरणोपरांत जीवन में विश्वास का शुरुआत हो चुका होगा ये माना जाता है। अब जो इस टाइम पीरियड के अंदर में जो शव दफनाने में दफनाने की प्रक्रिया रही होगी ना कि किस तरह से दफनाया जाता है, उसके अंदर में किस तरह से चीजें डाली जाती थी, शवदाह वाले लेसन के अंदर उन्होंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे ये भी एक लॉजिक लेके चलते हैं लोग कि जो इस टाइम पीरियड में धीरे धीरे उनका मानसिकता जो होगा ना विकास कर चुका होगा धर्म को लेकर, चीजों को लेकर, और वो मरणोपरांत जीवन के अंदर में बिलीव करते होंगे, जीवन है, मृत्यु के बाद जीवन संभव है, ये वो मानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है और धीरे धीरे करके हम सभी जितने भी आपके एमए हिस्ट्री के लेसन हैं वो करवा रहे हो, मैं डेली वीडियोस अपडेट हो रही है द यूनिफ के ऊपर में। जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, द यूनिफ के ऊपर में एमए हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज है ना आपकी सारी मिलने वाली है। हर महीने, हर दिन, महीने छोड़ दो, हर दिन डेली एक एक वीडियो अपलोड होती है, हर एक चैनल का, हर एक लेसन का एक वीडियो किसी भी बुक का उठाकर मैं रोज डाल रहा हूँ, ठीक है, आपका नोट्स डाल रहा हूँ, तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे अपडेट की जा रही है। तो जितने भी व्यूवर्स हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे द इनअप परिवार का हिस्सा बनिए और हमारे द इनअप परिवार को और बड़ा कीजिए, आगे बढ़ाइए। द इनअप के ऊपर में एमएससी से रिलेटेड वीडियो सारी मिलने वाली है, बीएससी से रिलेटेड वीडियो सारी मिलने वाली है, नव इन्फो पे आपको इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट है ना टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। और एमए हिस्ट्री का नोट चाहिए तो डायरेक्ट गूगल ब्लॉगर पर जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर में गूगल ब्लॉगर का लिंक है, वहां से आप ले सकते हैं।
यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।